Shanti, 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 Shankaram, Shankaracharyam, Keshavam, Vadarayanam, Sutra, Bhashya, Kritau, Vande, Bhagavantau, Puna, Punaha, Isharu, Guru, Ratmeti, Murti, Bheda, Vibhagine, Vyomavad Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Om Shanti Shanti Shanti. में देखिए ऋण मोचन करता रहा पितुः संति सुतादयः बंध मोचन करता तु स्वस्मा दन्यो न कश्चित् न कश्चन। मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ। ऋण मोचन करता रहा पितुः संति सुतादयः बंध मोचन करता तु स्वस्मा दन्योन कश्चन। अर्थ देखिए, पिता के ऋण को चुकाने वाले तो पुत्रादि भी होते हैं, परंतु बंधन से छुड़ाने वाला अपने से अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता है। अर्थ फिर देख लीजिए, पिता के ऋण को समाप्त करने के लिए उसके पुत्र और परिवार के लोग भी हो सकते हैं, किंतु संसार सागर से मुक्ति दिलाने के लिए अपने से अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। इन कुछ मंत्रों में जो आज के मंत्र हैं, इनमें शंकराचार्य जी यह बता रहे हैं कि आपके अपने परिश्रम का, अपने प्रयास का अध्यात्म में क्या मतलब है। आपका अपना प्रयास अध्यात्म में कितना महत्व रखता है, इसी बात को बताने के लिए थोड़े आगे के मंत्र यहां पर लिए गए हैं। यदि कोई साधक निश्चित ही मोक्ष की इच्छा रखता है, तो उसको इन मंत्रों को गंभीरता से विचार करना चाहिए, गंभीरता से समझना चाहिए। जब किसी चीज को हम नहीं करना चाहते, तो उस चीज को हम आगे के लिए टाल देते हैं। जिसको हमें नहीं करना होता है, हम कहते हैं इसको बाद में करेंगे, करना है लेकिन अभी टाइम नहीं है, बाद में करेंगे, या मेरी जगह कोई और कर ले, हम कोई नौकर रख दें, तो हम उसको छोड़ देते हैं। और इसके लिए हमारे पास बहुत तरह के बहाने भी होते हैं, मैं बहुत बिजी हूं, काम का प्रेशर है, ये जिम्मेदारियां हैं, इसीलिए ये करना है लेकिन थोड़े समय के बाद में करूंगा। तो जब हम अपने करने की कोई सूची बनाते हैं, हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, हमारा एजुकेशन होना चाहिए पहले, तो फिर कोई जॉब होनी चाहिए, इतने साल इसके लिए जाएंगे, इतने साल जॉब में जाएंगे,
इतने साल फिर रिटायरमेंट के बाद में ये चीजें चाहिए, तो हम उस समय में जब करने की एक लिस्ट बनाते हैं, एक समझदार व्यक्ति जब लिस्ट बनाता है, वह भी अपने उस लिस्ट में परमात्मा को या स्पिरिचुअलिटी को, आध्यात्मिकता को अंतिम में रखता है। ये सब हो जाए उसके बाद में करेंगे, ये सब होने के बाद में करना है, लेकिन ये सब होने के बाद। और हम जानते हैं कि जो चीज हमें करनी होती है हम उसको नहीं टालते, और जो चीज नहीं करनी होती है हम उसको टाल देते हैं। तो ईश्वर को, परमात्मा को, आध्यात्मिकता को हम लोग आखिरी में रखते हैं। पहले ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, और आखिरी में हम परमात्मा को करेंगे। इस तरह से हम हमेशा उस परमात्मा को आगे आगे बढ़ाते रहते हैं। ये काम आ गया इसलिए करेंगे, लेकिन थोड़ा 6 महीने के बाद। और वो जो आखिरी में लिखा हुआ ईश्वर, वो कभी आता नहीं। आपकी लिस्ट में जो आखिरी नंबर में स्पिरिचुअलिटी है वो कभी आती नहीं है, क्योंकि काम कभी खत्म नहीं होता। एक कामों की जो श्रृंखला है, एंडलेस, एक के बाद आप एक खत्म करते हैं तो और दूसरी जिम्मेदारी आ जाती, वो खत्म करते तीसरी आ जाती। तो हम कोशिश करते रहते सब काम खत्म हो जाए, उसके बाद आराम से शांति से परमात्मा के लिए हम समय देंगे। और वो समय आ नहीं पाता है। इसीलिए हम टालते रहते, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, लेकिन ईश्वर को बाद में देंगे। इन मंत्रों में शंकराचार्य जी सावधान करते साधकों को, आप यदि सही में साधक हैं, आप सीरियस, आप गंभीर हैं, तो आप विचार करके देखोगे आपको कौन से काम है जो तुरंत करने चाहिए, और कौन से ऐसे काम है जिन्हें आप पोस्टपोन कर सकते हैं। आप निश्चित करो कि कौन से ऐसे काम है जो आपको ही करने हैं, और कौन से ऐसे काम जो दूसरों से भी आप करवा सकते हैं। दो तरह से हमारे जीवन में लक्ष्य होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव बाहर के पदार्थों के, और एक आपका अपना व्यक्तिगत। एक होता है कोई व्यक्ति भूखा है, आप उसकी मदद कर सकते हो भोजन देकर के, आप उसको भोजन दे देते हो उसकी मदद हो जाती है। कोई व्यक्ति प्यासा है, आप पानी दे देते हो उसकी मदद हो जाती है। उसकी जो आवश्यकताएं हैं आप पदार्थ के रूप में आप उनको दे सकते हो, और आपको कोई और दे सकता है, लेकिन इन पदार्थों का ट्रांसफर होता है। आज आपके पास है, कल किसी और के पास थे। इन पदार्थों का संग्रह, सांसारिक उद्देश्य की प्राप्ति आप कर सकते हो, आपके लिए कोई दूसरा कर सकता है। इसी तरह अध्यात्म में भी आपको कोई अनुष्ठान करना है, कोई यज्ञ करना है, आपको करना आता नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि किसी प्रीस्ट को ले लेते हैं,
हम किसी पंडित को ले लेते हैं, आपको कोई विधि करानी है, कोई अनुष्ठान कराना है, तो आप किसी पंडित को, किसी प्रीस्ट को लेते हैं और उनको आप हायर कर लेते हैं कि आप ये अनुष्ठान करिए, जप है आपको करना है, ये यज्ञ विधि आपको करनी है, आपको हमारे लिए ये मंत्र पढ़ने हैं, ये अनुष्ठान करना है। तो आपके और पंडित के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हो जाता है, वो संकल्प करता है कि इस कर्म का जो भी फल होगा वो फल हमारे यजमान को मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। वो पंडित संकल्प करता है कि इस यज्ञ, इस अनुष्ठान से जो कुछ भी फल प्राप्त होगा वो फल किसको मिलेगा, मेरे यजमान को। जैसे आप एक एडवोकेट हायर करते हो कि आपका लीगल मैटर प्रोसीड करे, कि आप नहीं कोर्ट में जा सकते, तो जो लीगल प्रोसीडिंग है वो आपके व्याप में आपका एडवोकेट करता, आप हायर कर लेते हो। ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी में कुछ रिचुअल्स के लिए, कुछ रिचुअल्स कराने के लिए आप प्रीस्ट हायर कर सकते हो, पंडित को ले सकते हो, और पंडित आपके बिहाफ में अनुष्ठान करेगा। उस अनुष्ठान के बदले आप उसको दक्षिणा दे देते हो, उनकी फीस हो गई, लेकिन उस यज्ञ का, उस कर्म का, उस अनुष्ठान का जो भी फल है वो आपको मिलेगा, आपको मिलने वाला, क्योंकि आपने करवाया। पंडित तो एक करने का माध्यम बना, तो शंकराचार्य कहते हैं कि ये सब काम आपके लिए दूसरा कर सकता है। जैसे कोई पिता है, फैमिली का कोई हेड है, उसने दूसरों से लोन ले लिया, ऋण मोचन करतारा पितु शांति सुता दया। इन केस उसकी डेथ हो जाती है, तो उस लोन को उसके पुत्र या उसके परिवार के दूसरे लोग पूरा कर देंगे। वो लोन अपने पिता का, अपने फैमिली के मेंबर का, हेड का, उसके परिवार के जो लोग हैं उस लोन को निपटा सकते हैं। लेकिन तो जैसे आपके लिए कोई अनुष्ठान कर सकता है पंडित, आपको पुण्य मिल सकते हैं, स्वर्ग में आपको अच्छे सुख सुविधाएं मिल सकती है, या कोई आपको कोई पदार्थ गिफ्ट दे सकता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको पर्सनली करनी पड़ती है। जैसे आपका थॉट, विचार आपके मन में आ रहे हैं, आपके अंदर क्रोध है, आपके अंदर में लोभ है, मन अशांत है, आपके इमोशन है, इसमें तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे आप अकेले होते जाएंगे, जैसे जैसे आप दूर की तरफ होंगे आपके पास भीड़ होगी, जैसे जैसे आप दूर होंगे और आउटस्कर्ट्स में जाएंगे वैसे वैसे आपके पास में भीड़ होगी, लोग बहुत होंगे, काम करने वाले लोग बहुत होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप विड्रॉल करके अंदर की तरफ जाएंगे आप अकेले होते जाएंगे। आपका डाइजेशन सिस्टम, इसमें कोई आपकी क्या मदद कर, आपके बॉडी में कोई पेन है, इसमें कोई आपकी क्या मदद करेगा। तो शंकराचार्य कहते हैं कि यदि परिवार का कोई सदस्य किसी का ऋण लेकर के नहीं भी दे पाता है तो उसके परिवार के लोग दे सकते हैं, लेकिन भव बंध मोचन करता तू
स्वस्मा दंड्यो न कश्चन। जहां तक बंधन की बात है, उस बंधन में आपकी कोई मदद नहीं। गुरु भी बाहर से बता सकता है, ईश्वर भी बाहर से इशारे कर सकता है, लेकिन अंदर का जो कुछ भी है, आपके अंदर में क्रोध है, आपके अंदर में लोभ है, शांति है, अशांति है, आपको अकेले ही सब चीजें हैंडल करनी है। आपको उस समय अकेले ही आपको सब चीजें हैंडल करनी है। उस समय आप आपके साथ कोई भी नहीं। भव बंधन भव बंध मोचन करता तू स्वस्मा दंड्यो न कश्चना। हम शंकराचार्य जी कहते हैं ऐसा और कोई नहीं है जो आपको संसार के सागर से मुक्ति दिला दे। उसमें कोई आपकी मदद नहीं हो सकती है, तो आपको ही करना पड़ेगा। न तो आप उसको दूसरों पर छोड़ सकते हैं और न टाल सकते हैं। इसलिए शंकराचार्य जी यहाँ पर वार्न करते हैं, सावधान करते साधकों को कि आप इसके लिए न तो पोस्टपोन करिए और न मेरे लिए ये कर लेगा, मैं भी खाली नहीं हूं, लेकिन मेरे बिहाफ में ये व्यक्ति ये कर लेगा और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी कोई धारणा हो तो आप दिमाग से निकाल देना कि ऐसा कुछ भी संभव नहीं है कि आपके उन परिस्थितियों के लिए कोई और जिम्मेदारी नहीं ले सकता। अगला मंत्र देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है। मस्तक न्यस्त भारादे दुख मन्नीर निवार्यते क्षुदादि कृत दुखम तो बिना शोयना न केनचित। मैं एक बार फिर चांट करता हूं इसको। मस्तक न्यस्त भारादे दुख मन्नीर निवार्यते क्षुदादि कृत दुखम तो विना स्वयं न के नचित। अर्थ देखिए, जैसे सिर पर रखे हुए बोझे का दुख और भी दूर कर सकते हैं, किंतु भूख और प्यास आदि का दुख अपने सिवा और कोई नहीं मिटा सकता है। आप फिर समझ लो, बहुत सीधा सीधा एग्जाम्पल है। सिर में रखे हुए बोझ का दुख दूसरे लोग भी दूर कर सकते हैं, परंतु भूख का प्यास का जो दुख है अपने सिवा और कोई नहीं समाप्त कर सकता। ये दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं उसी चीज को बताने के लिए। पहला एग्जाम्पल था ऋण का, धन का। एक व्यक्ति ने लिया हुआ धन दूसरा उसको वापस कर सकता। अभी जो दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं ये दे रहे हैं आपके अब व्यक्ति के शरीर के साथ। तो शंकराचार्य जी ने कहा जैसे किसी के सिर के ऊपर में भार है, 50 किलो 60 किलो का वजन सिर के ऊपर रखा हुआ और बहुत परेशान है, उस बोझ से परेशान है, तो कोई आके उसको बोल सकता है आप ये हमको दे दो, हम इसको उठा लेते, आप दे देते हो। आपके उस बोझ को, आपके उस भार को वो व्यक्ति अपने सिर में लेकर के पहुंचा देता है, तो आपको उस भार से मुक्ति उसने दिला दी। लेकिन क्षुधादि कृत दुखम तु बिना शोयेन न केनचित। अब शंकराचार्य कहते थोड़ा आप गहराई से सोचो कि कोई ऐसा व्यक्ति जरूर मिल जाएगा जो आपकी मदद करेगा, सहायता कर देगा, आपके भार आपका बर्डन बांट लेगा, आपके दुख को बांट लिया। दुख मतलब सिर में रखा जो भार उसको। लेकिन और आप ये विचार करके देखो, क्षुधादि कृत दुखम तू, जो दुख आपके अंदर में है, क्षुधा या जो एग्जाम्पल दिए हैं भूख, आपको भूख लगती है ये भी दुख है और भूख नहीं लगती ये भी दुख है, भूख लगे वो भी परेशानी है और नहीं लगे उनको भी परेशानी। तो जिनको भूख नहीं लगती है वे भूख लगाने के लिए दवाइयां ले रहे हैं, तो आपको भूख लग रही ज्यादा, आपको कम लग रही है,
इसमें आपकी कोई और मदद नहीं कर सकता है। आपको भूख सोने वाला जो दर्द है, भूख सोने वाली जो पीड़ा है, तो ऐसा नहीं कि आपको भूख लगी है, आप भूख से तड़पड़ा रहे हैं, आपके लिए कोई और व्यक्ति बोले चलो मैं खाना खा लेता, आप कष्ट मत करो, आपके दांत में दर्द है, मैं खा लेता। तो शंकराचार्य जी कहते हैं क्षुधादि कृत दुखम, अंदर में आपको जो दुख है, क्षुधा भूख प्यास, क्रोध, कोई क्या करेगा इसमें, उसके लिए आपको ही प्रयत्न करना। आपको भूख लगी तो भोजन आपको ही करना पड़ेगा, प्यास लगी है तो आपको ही पानी पीना पड़ेगा, आपको भूख नहीं लगी तो उसको बढ़ाने के लिए आपको ही कुछ करना पड़ेगा, आपको भूख नहीं लग रही है उसके लिए कोई और नहीं कुछ कर सकता। शंकराचार्य लिखते हैं क्षुधादि कृत दुखम तू, जो दुख आपको अंदर में हो रहे हैं उन दुखों को कोई दूसरा बांट नहीं सकता है, आपको ही करने पड़े। आप जरा विचार करते हैं, ये एग्जांपल है, इनमें आप देखना कितने सब्जेक्टिव है, ये कितने सब्जेक्टिव। अगला भी एग्जांपल देखिए एक और, पथ्य औषध सेवा च क्रियते येन रोगिणा आरोग्य सिद्धिर दृष्टास्य नान्य अनुष्ठित कर्मणा। मैं एक बार फिर पढ़ता हूं, आप ध्यान से देखिए, पथ्य औषध सेवा च क्रियते येन रोगिणा आरोग्य सिद्धिर दृष्टास्य न अन्य अनुष्ठित कर्मणा। एक और एग्जांपल दिया इसी बात को समझाने के लिए, आपका अपना कर्म अध्यात्म में कितना उपयोगी है। ये तीसरा एग्जाम्पल है, अर्थ देखिए, जैसे जो रोगी पथ्य औषध का सेवन करता है उसी के अंदर में आरोग्य सिद्धि देखी जाती है, किसी और के द्वारा किए हुए कर्मों से कोई और निरोग नहीं होता। अर्थ फिर सुन लीजिए, जैसे जो रोगी पथ्य औषध का सेवन करता है उसी को आरोग्य सिद्धि देखी जाती है, किसी और के द्वारा किए हुए कर्मों से कोई और निरोग नहीं होता है। तो तीसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं इसी बात को बताने के लिए कि आपके कर्म का कितना महत्व, आपके द्वारा किए हुए कर्मों के द्वारा क्या हो सकता है। इसके लिए तीसरा एग्जाम्पल दिया कि जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, बीमार व्यक्ति है, डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करता है, डॉक्टर उसको बताता है तुमने ये खाना है, ये दवाइयां खानी है, ये नहीं खाना है, उसको बोलते पथ्य, जो आहार रोगी के लिए अनुकूल पड़े। तो डॉक्टर उसको पथ्य बताता है कि तुम्हें ये चीजें खानी, ये नहीं खाना, ये खाना, ये खाना, इतने बार खाना, इतनी चीजें लेनी, और ये दवाइयां खानी है। तो जो रोगी डॉक्टर के द्वारा दिया गया जो निर्देश, उस निर्देश के हिसाब से दवाइयां खाता है, उस डॉक्टर के निर्देश के अनुसार भोजन करता है, तो धीरे 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 उसकी बीमारी और निकल जाती है, रिकवरी हो जाती है। पथ्य औषध सेवा च, पथ्य का अर्थ होता है कि जो आपका खाना आपके अनुकूल हो, भोजन, जैसे कोई डायबिटिक, तो डॉक्टर बोलेगा तुम्हें ये नहीं खाना, मीठा नहीं खाना है, उसके लिए पथ्य हो गया, क्या तुम्हें खाना है, क्या नहीं खाना है,
और साथ में आपको औषधि लेनी। तो जो कोई भी रोगी डॉक्टर की बात को मान करके इन सब चीजों को करता है, दवाइयां ले रहा है, भोजन कर रहा है ठीक से, आरोग्य सिद्धि दृष्टा से उसी व्यक्ति को वही व्यक्ति आरोग्य होता, रिकवरी करता, स्वस्थ हो जाता, उसी को करना पड़े। अब यहां पर शंकराचार्य जी कहते हैं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को टाइम नहीं है, इसकी जगह कोई और व्यक्ति दवाइयां खा ले, ये दवाइयां बड़ी कड़वी है, इसकी जगह ये बेचारा नहीं खा सकता है, कोई और खा ले इसकी जगह, इसकी जगह कोई और पथ्य कर ले। तो जैसे इसकी जगह और कोई ना दवा खा सकता है, ना कोई दूसरा इसकी जगह में भोजन कर सकता है, यदि किसी को स्वस्थ होना है, उस स्वस्थ होने वाले व्यक्ति के लिए गारंटी यही है, उसी व्यक्ति जिसको बीमारी है, जिसको रोग है, उस रोगी को ही भोजन करना पड़ेगा जो पथ्य है, और औषधियां लेनी पड़ेगी, समय से दवाई लेनी पड़ेगी, वो व्यक्ति तब स्वस्थ हो पाएगा। हम सीधे सीधे समझते हैं कि इसके बदले में किसी और को आप कुछ नहीं कर सकते। कोई आदमी अमीर है, हार्ट पेशेंट है, और डॉक्टर को बोले मैं तो नहीं करा सकता हूं कि मुझे टाइम नहीं है, रिस्क भी बहुत, आप मेरे नौकर का कर दो, नौकर मेरे पास बहुत है, मर भी गया तो उसके लिए मैं पैसा दे दूंगा, लेकिन मुझे बचा। तो उसके नौकर का ऑपरेशन होने से वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो सकता। जो बीमार है, शंकराचार्य जी बोलते हैं, उसी व्यक्ति को दवाइयां खानी पड़ेगी, उसी व्यक्ति को औषधि का पथ्य सेवन करना पड़ेगा, उसके बाद वो व्यक्ति आरोग्य होगा। ये आपके कर्म की, अपने कर्म की महत्ता बता रहे हैं। अब इसके आगे का मंत्र देखिए, उसमें और एग्जांपल दिया है। वस्तु स्वरूपम स्फुटबोध चक्षुषा स्वनैव वेद्यम न तु पंडितेन चंद्रस्वरूपम निज चक्षुषैव ज्ञातव्य मन्यैरवगम्यते किम्। मैं फिर पढ़ता हूं, अब धीरे धीरे उसको मुझे पीछे पीछे पढ़ते रहिए आप भी। वस्तु स्वरूपम स्फुटबोध चक्षुषा स्वनैव वेद्यम ननु पंडितेन चंद्रस्वरूपम निज चक्षुषैव ज्ञातव्य मन्यहि अवगम्यते किम्। इसका अब आप समझिए, ये मंत्र थोड़ा सा बड़ा है, ठीक वैसे ही जैसे पहले वाले एग्जाम्पल आपने समझे वैसे ही। विवेकी पुरुष को वस्तु का स्वरूप भी स्वयं अपने ज्ञान नेत्रों से ही जानना चाहिए, किसी अन्य के द्वारा नहीं। चंद्रमा का स्वरूप अपने ही नेत्रों से देखा जाता है, दूसरों के द्वारा नहीं जाना जा सकता। अर्थ फिर समझिए, विवेकी पुरुष को वस्तु का स्वरूप भी स्वयं अपने ज्ञान नेत्रों से ही जानना चाहिए, किसी अन्य के द्वारा नहीं। चंद्रमा का स्वरूप अपने ही नेत्रों से देखा जाता है, दूसरों के नेत्रों के द्वारा देखा जाना संभव नहीं। अब चीज को थोड़ा और एक एग्जांपल अलग दिया, धीरे धीरे अब आपको एग्जाम्पल से और आपके एक्सपीरियंस की तरफ लेके जा रहे हैं। एक एक एग्जाम्पल है, पहले आपके
भार के ऊपर में बताया, ऋण के ऊपर में बता दिया, उसके बाद भूख प्यास में बता दिया, बीमारी में बता दिया। अब थोड़ा और आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, शंकराचार्य कहता है विचार करो, आपको किसी वस्तु को जानना है। आपको जानना है गुलाब का फूल, आपको जानना है हिमालय, कोई भी ऑब्जेक्ट आपको जानना है, आपको उसका ज्ञान चाहिए, उसकी रियलिटी चाहिए, उसकी सत्यता चाहिए, उसका स्वरूप आपको जानना है, किसी व्यक्ति को जानना है, किसी वस्तु को जानना है, किसी को भी। तो हम क्या करेंगे, हम किसी वस्तु की सही जान वास्तविकता जानने के लिए आप किसी से पूछ सकते, आपको बता सकता। कोई हिमालय में गया, आप कभी गए नहीं और आपको उसने बता दिया, एक इमेज आपके अंदर में तैयार हो जाती है। उसके कहने से, बुक्स पढ़ने से, मैप देखने से हिमालय की एक इमेज आपके अंदर में बन जाती है। थोड़े आप अपने कुछ थॉट उसमें ऐड कर देते, फिर एक इमेज हिमालय की बनती है। जिन चीजों को हम सीधे नहीं जानते हैं, सेकेंड हैंड से जानते हैं, उनके बारे में हमारे थॉट, हमारे जो इम्प्रेशन है वो भी ऐड हो जाते हैं। तो जैसे जैसे किसी ने हमको किसी पदार्थ के बारे में बता दिया, उन पदार्थों को हम जानते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं। जैसे किसी अंधे व्यक्ति को आप कलर के बारे में समझा, अंधे व्यक्ति को आप रेड कलर बताओ, ये रेड है, येलो है, ग्रीन है, सफेद है, हाँ करेगा, एक इमेज उसके अंदर में पैदा हो जाए, इस समझेगा कुछ भी नहीं, नाम मालूम होंगे उसको, कोई आकार भी उसके दिमाग में आ जाएगा, एक रियलिटी नहीं, वास्तविकता नहीं। वस्तु स्वरूपम स्फुट बोध चक्षुषा सोने वेद्यम ननु पंडितेन। आपको किसी, शंकराचार्य कहते हैं आपको किसी पदार्थ के बारे में जानकारी चाहिए तो आपको फर्स्ट हैंड जानकारी चाहिए, आपको ही जानना पड़ेगा, आपको ही जानना पड़ेगा। कोई जगह सुंदर लगी आपको देखना है तो आप क्या करोगे, आपको ट्रेवल करना पड़ेगा, उसके लिए आप नौकर अपॉइंट नहीं कर सकते कि मुझे बहुत बड़ी अच्छा अच्छा लगता है, मैं स्विट्जरलैंड देखूं, अब मुझे तो टाइम है नहीं, दो चार नौकर रख करके आप उनको भेज जाओ, तुम देखाओ मुझे, बस बता देना। तो कोई भी चीज उस देखने के लिए, उस एक्सपीरियंस के लिए, उस पदार्थ के बोध के लिए, उस पदार्थ के ज्ञान के लिए आप नौकर अपॉइंट नहीं कर सकते। आपका कोई बहुत रिलेटिव काम नहीं आएगा, आपका पुत्र परिवार का पति पत्नी वो काम नहीं जाके देख सकते, आप किसी को भेज के दिखवा सकते हो, लेकिन एक्सपीरियंस उनका होगा, आपका नहीं। आपका एक्सपीरियंस तो तभी होगा जब आप खुद जाओ और जाकर के उनको देखो। जब तक कोई आपके व्याप में जानेगा वो आपका ज्ञान नहीं है, उसका ज्ञान, वो डायरेक्ट नहीं है, दूसरों का ज्ञान है, आपको दिया गया है, आप क्या समझ गए क्या नहीं समझ गए। तो शंकराचार्य जी कहते हैं वस्तु स्वरूपं स्फुट बोध चक्षुषा शोणैव वेद्यं ननु पंडितेन। उसके लिए कोई बहुत विद्वान आदमी आके आपको समझा दे स्वर्ग कैसा है। आप हिंदी में कहावत सुनते हो कि बिना मरे स्वर्ग के बारे में पता नहीं चलता कि स्वर्ग कैसा है, उसके लिए आपको मरना पड़ेगा, जाके फिर देखो स्वर्ग कैसा।
किसी आपको बता दे स्वर्ग ऐसा है, कल्प वृक्ष है, वहां गाय रहती है, ऐसा होता वैसा होता, ठीक है, बड़ी अच्छी बात। लेकिन उसका जो साक्षात बोध है वो बोध आपको तब होगा जब आप खुद एक्सपीरियंस कर। इसके लिए आपकी मदद कोई नहीं कर सकता। कितना भी आपका कोई हित चाहने वाला हो, कितना भी कोई भला चाहने वाला हो आपका, लेकिन इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। चंद स्वरूपम निज चक्षु शैव, या शंकराचार्य जी ने एग्जाम्पल दिया चंद्रमा, जिससे रात को चंद्रमा निकला है और उसकी चांदनी आप देख रहे हो, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। दूसरों को बताते देखो चंद्रमा की चांदनी कितनी सुंदर है, कितना सुंदर यहाँ का पूरा प्रकृति का दृश्य कितना सुंदर है उस चंद्रमा की रोशनी में, सब व्यू कितना सुंदर। वो कहता किधर, मैं तो अंधा हूं। महाभारत की बात तो मालूम है, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा है, जन्म से अंधा है और उसको महाभारत देखने की इच्छा हुई, महाभारत देखने की इच्छा। अब ये देखना तो चाहता है, देखे कैसे, एक्सपीरियंस कैसे करे, अनुभव कैसे करे, आंखें नहीं है। तो बिना आंखों के भगवान भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि हमारे पास अपनी आंखें नहीं है। तो हमारी आंखों के बिना हमें भगवान भी बोध नहीं दे सकता, गुरु भी नहीं दे सकता। एक तरीका यही, आप आंखें दे दो, आंखें दे दो। आंखों का काम दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता, आंखों का काम भगवान भी नहीं कर सकता। जो काम आंख का है वो भगवान का नहीं है, आंखों का काम आंखें। धृतराष्ट्र के मन में महाभारत देखने की इच्छा है, भगवान भी नहीं दिखा पा, संभव नहीं है। तो संजय को उसने लगा दिया कमेंट्री बताने के लिए, बता सकता है, कान है सुन सकता हो, कान उसके ठीक है, वो सोच सकता लेकिन देख नहीं सकता। तो देखने के लिए आंखें ही चाहिए, देखने के लिए भगवान नहीं। भगवान का काम देखने, आपको दिखाने का नहीं है, उसके लिए भगवान ने आपको आंखें दी, सुनने के लिए भगवान ने कान दिए। तो उन साधनों का उपयोग करके आप अपना ज्ञान, चंद्र स्वरूपम निज चक्षुषैव ज्ञातव्य मन्नैरवगम्यते किम्। तो चंद्रमा का स्वरूप अर्थात कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी ज्ञान आपको अपने द्वारा ही होगा। कोई भी ज्ञान आपको, जो ज्ञान के साधन मिले हैं, उन साधनों का उपयोग करके दिए परमात्मा ने किसने, आपको आंखें दी और आप दूसरों से बोलते हमें बताओ चंद्रमा कितना सुंदर है, क्यों? आपको आंखें दी है, आप देखो, तब आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज मिलेगा। अब किसी ने रसगुल्ला खाया और आप कहते जरा बताओ स्वाद कैसा है, क्या बताओ, खाओ और जानो, क्योंकि आपका व्यक्तिगत एक्सपीरियंस, आपका व्यक्तिगत अनुभव है, अनुभव आपका ही होगा और व्यक्तिगत, इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। आपका कितना भी सुख चाहने वाला हो, कितना भी नजदीक का व्यक्ति हो, आपको रसगुल्ले का स्वाद आपको ही लेना पड़ेगा।
चंद्रमा की जो ब्यूटी है आपको ही देखनी पड़ेगी, स्मेल है आपको ही लेनी पड़ेगी, कि आपका ही ज्ञान आपके काम आता है, आपका नॉलेज, आपका नॉलेज। चंद स्वरूपम निज चक्षुषैव ज्ञातव्य मन्नै, शंकराचार्य कहते हैं इसलिए आप अपने ज्ञान के लिए नौकर नहीं रख सकते हो कि मुझे ज्ञान करना तो मैं नौकर रख लेता हूं, मेरे लिए किताबें पढ़ लेंगे, मैं नौकर रख लेता हूं कि मेरे लिए वेदांत की स्टडी कर लेंगे, मैं आदमी रख देता हूं कि मेरे लिए चीजें जान लेंगे, नहीं वो अपने लिए जान लेंगे। तो आपका जो व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, आपका जो व्यक्तिगत अनुभव है, उस अनुभव को आपको ही करना, उस अनुभव में और कोई आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है, आपको ही जानना पड़ेगा। वस्तु स्वरूपं स्फुट बोध चक्षुषा स्वनैव वेत्यं ननु पंडितेन चंदस स्वरूपं निज चक्षुषैव ज्ञातव्य मन्नैरवगम्यते किम्। कौन बताएगा? आपका ज्ञान आपको ही करना, इसमें कोई चैरिटी नहीं है, इसमें कोई हेल्प नहीं है, इसमें कोई मदद नहीं है, इसमें कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। आप अपनी आंखें खोलो और देख लो, आप अपने कान खोलो और सुन लो, आप आंखें बंद करके दूसरों से बोलो, तुम मुझे बताओ चंद्रमा कितना सुंदर है। आप नाक बंद करके दूसरों को पूछो कि स्मेल कैसी आ रही गुलाब की। आपकी इंद्रियां, आपका जो व्यक्तिगत अनुभव है, उसके लिए आपकी इंद्रियां ही आपके काम आएंगी और कोई व्यक्ति इसमें नहीं कर सकता है। आपका ही कर्म, आपका ही संकल्प आपके काम आएगा। और अगला मंत्र देखिए, अविद्या काम कर्मादि पाश बंधम विमोचितुम का शक्निया दिनात्मानम कल्प कोटि शतैरपि। मैं फिर एक बार पढ़ता हूं, अविद्या काम कर्मादि पाश बंधम विमोचितुम का शक्निया दिनात्मानम कल्प कोटि शतैरपि। अर्थ देखिए, अविद्या कामना कर्म आदि के जाल के बंधनों से 100 करोड़ कल्पों में भी आपके सिवा और कोई नहीं मुक्त कर सकता है। अर्थ फिर देखिए, अविद्या कामना कर्म आदि के जाल के बंधनों से को 100 करोड़ कल्पों में भी अपने सिवा और कोई नहीं खोल सकता है। अब ये जो दृष्टांत आपको दिए गए थे, इन समस्त दृष्टांतों में पहले आपको थोड़े दूर के दृष्टांत थे, आपको ध्यान होगा कि आपको उसमें ऋण की बात की थी, किसी ने लोन लिया बाहर ही बाहर दे दिया, दे सकता है कोई, कर सकता है आपके लिए, लेकिन धीरे 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 चीजें और नजदीक लाते रहे शंकराचार्य जी, ये चीजें आपके बिना और कोई नहीं कर सकता, आपको ही करनी पड़ेगी, आपको ही करनी पड़ेगी, आपको ही करनी पड़ेगी। उसमें आपके राग द्वेष काम क्रोध भूख प्यास सब चीजों की बात बता दी। आपको कोई ब्यूटी देखनी है, आपका अपना एक्सपीरियंस है, वो सब चीजें क्लियर कर दी। अब पॉइंट पर अभी तक जो बातें ये बताई, ये ज्ञान भी, ये चीजें भी आपके बिना संभव नहीं है, आपको ही करनी पड़ेगी, आपके लिए और कोई नहीं कर सकता है। अब आज के इस मंत्र में शंकराचार्य जी कहने लगे, अब आ जाइए आप पॉइंट पर, हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। यहां जो बंधन है, जिन बंधन की बात शंकराचार्य जी कर रहे हैं, जो पहले ही मंत्र में लिखा बंध मोचन करता रहा, वो कौन से बंधन, किन बंधनों को आपने खोला,
आपके हाथ में कोई बंदर हो दूसरा खोल सकता है, आपके पांव में कोई रस्सी बंधी हो दूसरा खोल सकता है। लेकिन यहां जो बंधनों की बात है, शंकराचार्य कहते हैं अविद्या काम कर्मादि पाश बंधम, यहां जो पास जो बंधन है वो सामान्य बंधन नहीं, ऐसे बंधन नहीं कि दिखाई पड़े और आप जाके किसी को खोल दो। ये बंधन कैसे? अविद्या काम कर्मादि, पहला जो वेदांत में आपको बहुत बार बताया जाता है अविद्या, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस। अविद्या यहां से शुरू होता है, पहला बंधन है, बंधनों का जो बेस है जो जड़ है सबसे पहले अविद्या, अज्ञान, इग्नोरेंस। उस इग्नोरेंस का परिणाम क्या होता है? काम, डिजायर, इच्छा। कि जब यह मालूम पड़ा अविद्या क्या कर देगी आपको, इग्नोरेंस क्या कर देगा कि जो चीज जैसी है उससे अलग दिखा दिए। इग्नोरेंस किसका? आपकी अपनी रियलिटी, आपकी अपनी सत्यता, आपका अपना स्वरूप, उसको छिपा देना ही अविद्या। और उसका परिणाम क्या होगा? काम, इच्छाएं, फिर उसका परिणाम होगा इच्छा। इच्छा क्यों होगी? क्योंकि आपको लगेगा मैं अपूर्ण हूं, आपको लगेगा कि मैं अधूरा हूं, ये चीज मुझे मिलनी चाहिए तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा, संतुष्ट हो जाऊंगा, ये व्यक्ति मुझे मिलना चाहिए, ये पदार्थ मुझे मिलना चाहिए, ये चीज मुझे मिलनी चाहिए, यदि ये मुझे मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊं। मैं अभी खुश नहीं हूं, ये पदार्थ मिलने के बाद, ये वस्तु मिलने के बाद, ये व्यक्ति मिलने के बाद, उस जगह पहुंचने के बाद, ये सम्मान मिलने के बाद मैं खुश हो जाऊं। तो अपने अंदर में अपूर्णता दिखाई पड़ी और उस अपूर्णता को भरने के लिए सामने की स्थितियां हमको चाहिए। उस अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए कि मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊं, मुझे ये प्राप्त हो जाए तो मैं बहुत आनंद हो जाऊं। तो अपने उस अपूर्णता को भरने के लिए जो कैसे आई? अविद्या से। तो शंकराचार्य जी कहते हैं अविद्या काम कर्मादि, अविद्या के द्वारा, अज्ञान के द्वारा ये चीज दिमाग में आई कि ये मैं अधूरा हूं, अनकंप्लीट, मैं मर जाऊंगा, इसी तरह मैं बच जाऊं। तो अपने को पूर्ण करने के लिए हम हजारों तरह से कोशिश करते हैं, इसको बोलते हैं काम, डिजायर, इच्छाएं पैदा होती हैं, ये मुझे मिल जाए, ये मुझे, क्योंकि मैं अधूरा, क्योंकि मैं पूरा नहीं हो तो मैं कोशिश करूंगा ये मुझे मिल जाए तो पूरा हो जाऊं। और हम ट्राई करते 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 अभी तक कर रहे हैं। हर तरह के पदार्थ, हर तरह के व्यक्ति, हर तरह की परिस्थितियां, सब कुछ हम इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं कि जिससे लगे कि मैं पूर्ण हूं, मैं पूर्ण। उसके लिए क्या करना पड़ता? डिजायर पैदा होगा और फिर उसके बाद में कर्म, फिर हम कर्म शुरू कर देते हैं। तो ये एक क्रम है कि पहले अविद्या है, अविद्या के बाद में अविद्या के कारण कामनाएं पैदा होगी, इच्छाएं पैदा होगी, और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको पता है कि आपको काम करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। या आपका टारगेट पूरा करना है तो आप काम करो। तो ये एक पूरा क्रम है अविद्या काम कर्मादि, और यही बन जाता है पास, इसी का नाम पड़ जाता है पास माने बंधन, इसी का नाम बंधन पड़ गया कि अविद्या प्रेरित करेगी, डिजायर पैदा होगा, कामनाएं पैदा होंगी,
उन कामनाओं को पूरा करने के लिए हम कर्म करेंगे, एक्शन करेंगे, एक्टिविटी करेंगे और कर रहे हैं, अनादि काल से कर रहे हैं, जन्मों जन्मों से कर रहे हैं, परिणाम कुछ निकलता नहीं। ये जो पास है, ये जो बंधन है, इस बंधन के लिए कुनियार शंकराचार्य आपको सवाल करते, क्या आप क्या समझते कि आपके ये बंधन कौन तोड़ सकता है? कुनियार आपसे, साधकों से शंकराचार्य जी का प्रश्न है, ये जो बंधन है अविद्या के, इच्छाओं के, कर्मों के, इन आपके बंधनों को कौन तोड़ सकता है? कोई गुरु नहीं, कोई भगवान बोले कोई नहीं, और कोई परिवार के लोग, कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई विधि, कोई भी नहीं हो सकता सफल बिना मानव, आपके बिना। आप ही हैं जो इसको तोड़ सकते कि बंधन इतने अंदर है। आपके जो अविद्या के, कर्म के, डिजायर के, एक्शन के जो बंधन इतने अंदर है कि वहां तक किसी की पहुंच नहीं, यहां तक कि भगवान के भी नहीं। शंकराचार्य कहते कहा माने कौन, कोई भी नहीं, केवल शकुनियात बिना आत्मानम, आत्मान माने बिना आपके, आप हाँ टूट सकते हैं, केवल आप यदि कोशिश करेंगे तो आपका प्रयास, आपकी इच्छा, आपका संकल्प, अब उस संकल्प को गुरु आपको मदद कर देगा। जैसे निरोगी होना किसी को तो वैद्य डॉक्टर दवाई दे देगा, एक खाना किसी व्यक्ति को पड़ेगा, डॉक्टर बता देगा ये दवाई खाना, इस समय खाना, लेकिन खाना इसी को। ऐसे ही बिनात्मानम शंकराचार्य जी कहते हैं, आपके बिना इन बंधनों को कोई नहीं तोड़ सकता, ये आपको अकेले करना पड़ेगा। बस गुरु आपकी मदद कर दे, ईश्वर आपकी मदद कर दे, और सब बाहर बाहर, अंदर जाके आपको ही सब फेस करना है, अंदर जाके सब आपको ही सोल्व करना है। एक बात और डाली शंकराचार्य जी ने, कल्प कोटि शतई रवि, यदि हम ऐसी प्रतीक्षा करें कि चलो पड़ा रहने दो, कभी न कभी बंधन टूट जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, बोलिए बंधन ऐसे कभी सड़ने गलने वाले नहीं, करोड़ों करोड़ों युगों भी बीत जाए, ऐसे बंधन है जिनकी कोई लिमिट नहीं है, कि अविद्या अपने आप खत्म नहीं होती, कि इतने वर्षों के बाद, इतने युगों के बाद अचानक विद्या खत्म होगी और आप सेल्फ रिलाइज होगे। शंकराचार्य जी कहते ऐसा सोचना मत, बहुत क्लियरली बात को समझना, करोड़ों युग बीत जाएं, कल्प बीत जाएं, लेकिन कभी भी ये बंधन अपने आप नहीं टूटेंगे, इनको तोड़ना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, और इनको काटने के लिए आपको सीधे आपको ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, सीधे आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आप किसी पर टाल नहीं सकते कि हमारे परिवार के लोग कर देंगे, कि हमारे कोई कोई बहुत बड़ा विद्वान कर देगा, कि हमारे लिए कोई गुरु कर देगा, कि कोई प्रीस्ट पंडित कर देगा, कि कोई राजा कर देगा, कोई नहीं कर पाएगा, भगवान भी नहीं कर पाएगा, इससे ज्यादा इसलिए स्पष्ट शास्त्र मिलना संभव नहीं, आपको ही करना है, शंकराचार्य जी कहते हैं, और आपको किए बिना आपके लिए दूसरा कोई काम को नहीं कर सकता है, इसलिए आप अपने कर्म की जिम्मेदारी समझिए, आपको ही करना पड़ेगा, तो ये सब आप छुटकारा पा जाएंगे। आज अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्या पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।